नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। फ्लोर टेस्ट कौन बेस्ट? जी हां, बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार का आज फ्लोर टेस्ट होना है। थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। विधानसभा पहुंच गए हैं सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भी विधानसभा पहुंच चुके हैं, जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी भी सदन पहुंचे हुए हैं। देखिए, आज का दिन बहुत गहमा गहमी भरा रहा है और इसी के साथ आपको बता दें वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जहां तमाम जो बड़े चेहरे हैं वह इस वक्त पहुंच चुके हैं विधानसभा। और आज का दिन बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव पहले ही कह रहे थे खेला होगा क्या इस बीच, चूंकि सब कुछ समर्थन में तो नजर आ रहा है एनडीए के, लेकिन माथे पर चिंता की लकीरें भी लगातार बनी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर देखिए विधानसभा में तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंच चुके हैं। नीतीश सरकार का आज फ्लोर टेस्ट होना है। आज से 15 दिन पहले एनडीए में शामिल हो गए थे नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर, और देखिए आज का दिन बेहद खास है। हालांकि लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है, कल रात से ही आपको बता दें कि सियासी सरगर्मी शुरू हो गई थी। तेजस्वी यादव ने जो कहा था बच्चा का खेल, बच्चे को खिलौना मिल गया है, बच्चे के लिए खिलौना लाए हैं। सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, नीतीश कुमार इस वक्त। अब देखिए किस तरीके से आज, देखिए अब समझ लीजिए जरा आप, आरजेडी के 69 विधायक इस वक्त मौजूद हैं। ग्राफिक के जरिए आप समझने की कोशिश करिए, बिहार विधानसभा के 443 सदस्य आते हैं जिसमें बिहार विधानसभा में 473 सदस्य इस वक्त हैं। ये गणित है जिसे हम आपको समझा रहे हैं। सरकार बनाने के लिए लगभग 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए आरजेडी के पास 69 विधायक हैं, बीजेपी की हम बात करते हैं तो 78 विधायक हैं, जेडीयू के 45 और कांग्रेस के 19 विधायक इसमें शामिल हैं। तो पूरा जो समीकरण है, जो पूरा गणित है, वो हम आपको इस ग्राफिक के जरिए समझा रहे हैं। CPIML के पास 12 हैं, CPI2 CPIM 2 विधायक उनके पास हैं, कि दो दो विधायक। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के पास 4 विधायक, AIMIM के पास और एक निर्दलीय विधायक है। निर्दलीय विधायक का समर्थन जेडीयू को हासिल है। तो देखिए फिलहाल जो है आज 15 दिन के बाद यूं कहें अब अपना विश्वास मत हासिल करना होगा। राजीव मोहन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजीव, फिलहाल सुगबुगाहट क्या है इस वक्त, कब तक कार्रवाई शुरू हो जाएगी, आज का दिन क्या कुछ खास? राजीव, देखिए विधानसभा की कार्रवाई को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। अब जितने भी विधायक हैं वो यहाँ लगभग पहुंच चुके हैं। महत्वपूर्ण कार्य है इस सत्र में सरकार के सदन के प्रति विश्वास मत प्राप्त किए जाने पर विचार होगा, साथ ही सदन के अध्यक्ष के प्रति अविश्वास के संकल्प पर विचार होगा। इसके अलावा वर्ष का प्रथम सत्र होने की स्थिति में महामहिम राज्यपाल का भी भाषण भी होगा। माननीय सदस्यगण, यह संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती है कि यहाँ हर तरह के गंभीर विषय आपसी विचार विमर्श से सुलझाए जाते हैं। मेरा आप सबों से आग्रह है कि इस पूरे सत्र में आप अपनी उपस्थिति बनाए रखें और राज्य की जनता के हितों के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। राज्यपाल से प्राप्त संदेश। माननीय सदस्यगण, बिहार के राज्यपाल महोदय ने निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राजेंद्र विश्वास आलेकर, बिहार का राज्यपाल, एतद् द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को दिनांक 12 फरवरी 2024 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूं और बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल पटना में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूं। राजेंद्र विश्वास आलेकर, राज्यपाल बिहार पटना, दिनांक 1/2/2024। माननीय सदस्यगण, अब से कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे दोनों सदनों के सदस्यों के सह समेत उपस्थिति में महामहिम
राज्यपाल का अभिभाषण विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में होगा। महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें सेंट्रल हॉल तक जाने लाने के लिए मैं विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारित स्थल पर आएंगे। इस बीच आप सभी माननीय सदस्य चलकर सेंट्रल हॉल में अपना अपना अवतार ग्रहण करेंगे। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात पुनः इस समावेश में आज के निर्धारित शेष कार्य होंगे। अतः आप सभी माननीय सदस्यगण अभिभाषण समाप्त होने के तत्काल बाद सेंट्रल हॉल से आकर इस सदन में अपना अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लेंगे। अब आगे की कार्रवाई सेंट्रल हॉल में होगी। चला जाए वहां। अब हम कहां साथ छोड़ने वाले। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन लगातार बने हुए हैं। राजीव, देखिए बिहार की राजनीति में आज का दिन बहुत खास है। सब कुछ सही होते हुए भी कहीं ना कहीं डर लग रहा है इस वक्त नीतीश सरकार को भी। फिलहाल स्थितियां क्या कुछ? देखिए बिल्कुल, जो भी स्थितियां हैं वो अब कुछ ही देर में उसका पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार से पॉलिटिकल हंगामा ड्रामा ये कह सकते हैं जो हो रहा है, और जो नेताओं का बयानबाजी है उसे कहीं न कहीं लगता है कि अंदर खाने में कुछ और है और कहा कुछ और जा रहा है। अभी अवध बिहारी चौधरी ने जिस प्रकार से सभा को सदन को संबोधित किया है उसे ये पता लगता है कि एक बार फिर से जो है अवध बिहारी चौधरी पद छोड़ने तैयार नहीं है, जबकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है। तो अब सदन में इसके बाद क्या कार्रवाई होगी? नियम के अनुसार ये कहा जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अगर माननीय सदस्य करीब 38 लोग अगर खड़े होते हैं तो उनको पद छोड़ देना है, कुर्सी से चला जाना है। उसके बाद विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे महेश्वर हजारी, उनके द्वारा ये कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन्होंने जिस तरह से भाषण देकर और तमाम विधायकों को उन्होंने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण होना है सेंट्रल हॉल के विस्तारित भवन में, वहां चले और उठकर चले गए। तो अब देखना है कि आगे क्या होना है। और जहां तक विधायकों की संख्या है अभी भी असमंजस बना हुआ है। तमाम विधायकों के बारे में अभी कुछ भी खुलकर नहीं बताया जा रहा है। विधायकों की संख्या में असमंजस बना हुआ है। अभिषेक विजय में सहयोगी न्यूज रूम से बन गए हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक, विधायकों की संख्या में असमंजस बना हुआ है, कल से ही देखिए रात से ही गहमा गहमी शुरू हो गई थी। फोन लगाया जा रहा था, फोन नहीं लग रहा था। अभी भी ये कहा जा रहा है कि जेडीयू की एक विधायक का पता नहीं है, बीजेपी की दो विधायक का पता नहीं है। फिलहाल स्थितियां क्या देख पा रहे हैं? अभिषेक, ओवर टू यू। देखिए दीपिका, जो अब फिलहाल की स्थिति है, और अभी जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई सदन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जो बातें कही उसके बाद अब इसकी संभावना बहुत कम है कि सरकार को कोई नुकसान जो है वो होगा। फ्लोर टेस्ट पास कर लेंगे नीतीश, ये अभी अभी की स्थिति को देखते हुए लग रहा है। आखिरकार सब कुछ निर्भर करेगा वोटिंग पे। अभी तो 11:30 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होना है, उसके बाद स्थिति जो बनेगी वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए, जैसे ही ये सरकार बनती है, 28 तारीख को जब नीतीश कुमार ने शपथ लिया था उसी वक्त तेजस्वी यादव ने एक बयान दे करके पूरे तरीके से अगर कहें तो सनसनी फैला दी थी कि अभी तो खेला बाकी है। उसके बाद से ही शायद ये पहली बार है कि बीजेपी को अपने विधायकों को सिक्योर करना पड़ रहा है। अभी तक अमूमन ऐसा नहीं हुआ था। कई स्टेट में हमने देखा है कि विधायकों के जोड़ तोड़ से सरकारें बनती रही हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हमने देखा कि बीजेपी अपने विधायकों को बोधगया के एक होटल में शिफ्ट करती है। जेडीयू बार बार अपने विधायकों को एक तरीके से एकजुट रखने की कोशिश करती है, लेकिन आरजेडी थोड़ी सी मस्त नजर आ रही है। अब इसके पीछे कारण क्या है,
तो इसके पीछे कारण सबसे ज्यादा ये माना जा रहा था जीतन राम मांझी, चार विधायक उनके हैं, वो देखिए दो मंत्री पद के लिए अड़े हुए हैं, एक मंत्री पद उन्हें मिल गया है, लेकिन अब उन्हें दूसरा मंत्री पद नहीं मिलेगा, ये भी आप तय मान करके चलिए, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के विधायक को ही हम मिला लें तो बहुमत का आंकड़ा पार हो जाता है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी के उन चार विधायकों की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जितनी पड़नी चाहिए थी। हाँ, एक दो विधायक जिनको लेकर के स्थिति ऐसी बन रही थी कि वो सदन में पहुंचेंगे ही नहीं, और उसके बाद कल रात में जेडीयू के कई विधायकों को झारखंड से उठा करके लाया गया। कल हमने ये भी देखा कि आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके घर पर पुलिस भी पहुंची थी, वहां विधायकों की मीटिंग हो रही थी। चेतन आनंद जो विधायक हैं उन्होंने बहुत सारी बातें कही, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन आज का दिन बेहद अहम है नीतीश कुमार के लिए। जानना चाह रहे हैं कि आज का दिन अहम है और कब कौन बाजी मारेगा, कौन पलटी मार जाएगा, देखना होगा। राजीव, देखिए जीतन राम मांझी जो बिल्कुल हॉट केक बने हुए थे, कई मर्तबा वो कह भी चुके हैं कि जो मंत्रालय उनको दिया जाता है उसमें वो खुश नजर नहीं आते हैं, तो क्या माने फिलहाल चार विधायक उनके पास, वो पलटी मार पाएंगे नहीं मार पाएंगे, क्या माने हम? राजीव आप जुड़े हुए हैं, अभिषेक मैं आपके पास आ जाती हूँ। जिस तरीके से हम चर्चा लगातार करें, जीतन राम मांझी के बारे में लगातार यही कहा जा रहा था कि वो एक हॉट केक बनी हुई। देखिए राजीव वापस जुड़ गए हैं, राजीव आवाज आ पा रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए जीतन राम मांझी के बारे में शुरू से यही कहा जा रहा था कि वो एक हॉट केक बने हुए हैं, पहले भी कई मर्तबा कह चुके हैं कि जो मनमाफिक उनको मंत्रालय मिलना चाहिए वो कभी मिलता नहीं था, यही एक वजह भी थी जो पलटने की संभावना लग रही थी उनकी। देखिए जीतन राम मांझी के पास चार विधायक हैं और जब से एनडीए सरकार बनी है तब से आरजेडी की निगाह में वो आ गए थे। हाँ। और बहुत तमाम प्रयास किए गए हैं। हाँ। कि उनको किसी तरह से छोड़ लिया जाए, यहाँ तक कि उनको मुख्यमंत्री बनाने का भी आरजेडी से ऑफर दिया गया है। हाँ। उसके बाद जीतन राम मांझी ने जिस प्रकार से कहा कि उन्हें दो मंत्री पद चाहिए, उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जो मंत्रालय मिलता है वो कम प्रोफाइल का है, उन्हें हाई प्रोफाइल मंत्रालय मिलना चाहिए। हमेशा उन्हें जो भी मंत्रालय दिया जाता है वो कम प्रोफाइल का है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये जीतन राम मांझी का एक अपना अंदाज है, जो अपने अंदाज में वो प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं और उसके तहत उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं और अभी लगातार उनका बयान आता रहा है। लेकिन देखिए बड़ी बात यही है कि कभी भी अभी तक जीतन राम मांझी हो या उनके पुत्र संतोष तिवारी जो मंत्री हैं, उनके तरफ से एनडीए सरकार के खिलाफ बयान नहीं दिया गया है, बल्कि हक की बात की गई है। तो अभी भी उनका इस बयान पर वो अड़े हुए हैं कि उन्हें इसी सरकार में रहते हुए एनडीए के साथ ही रहते हुए ये मलाईदार कह सकते हैं या हाई प्रोफाइल जो वो मंत्री पद चाहते हैं, दो मंत्री पद बनाने की मंत्रालय वो चाहते हैं। महबूब आलम जब शुक्रवार को मिले थे, शनिवार को जब मुलाकात कर चुके थे, तब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गॉसिप भी शुरू हो गई थी। देखिए बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि उन पर शुरू से ही, जब एनडीए सरकार बनी है तब से ही जीतन राम मांझी पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से डोरे डाले जा रहे हैं। हाँ। और यही कि कहा गया जो महबूब आलम और एक दूसरे दो विधायक मालिक के उनसे मिले थे। हाँ। और ये कहा गया कि ये दोनों विधायक जो हैं, हाँ, वो लालू प्रसाद के दूत बनकर जीतन राम मांझी के पास गए थे। हाँ। जब जीतन राम मांझी से मिलकर बाहर आए तो दोनों विधायकों ने मुस्कुराते हुए इस तरह से कहा, ऐसा लगता था कि उन्होंने जीतन राम मांझी को आरजेडी के पक्ष में मना लिया है। हाँ। और कहा कि उनका हाल चाल जानने आए हैं। हाँ। वो हमारे बुजुर्ग नेता हैं। हाँ। और गरीबों का आवाज उठाते हैं। लेकिन हाँ। जैसे ही जीतन राम मांझी बाहर आए, हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी आस्था एनडीए में है, उनकी आस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। हाँ। तो देखिए उन मिलने जुलने का जो हाँ। तरीका है, जो पॉलिटिक्स है, इसे प्रेशर पॉलिटिक्स ही कह सकते हैं। क्योंकि अगर जीतन राम मांझी अगर वो मना कर देते कि हमें किसी से नहीं मिलना है, अपने दल या अपने गठबंधन के विधायकों के अलावा हमें किसी से नहीं मिलना है, तो बात बनती है। यदि जीतन राम मांझी मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है, इसका सीधा मतलब है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स
करते हैं और हमेशा से अपनी बात अभिषेक भाई प्रेशर पॉलिटिक्स का जिक्र है, ये तो सभी को पता है प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी अहमियत क्या है बिहार की राजनीति में। अच्छा, इस बीच ये भी देखा गया कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किलेबंदी बीजेपी को करनी पड़ी हो अपने विधायकों को लेकर। बाड़ेबंदी गई, किलेबंदी की गई। अभी भी कहा जा रहा है कि दो जो ऐसे विधायक हैं अभी लापता है, जो कि महिला विधायक हैं, लापता है, उनका पता नहीं चल पा रहा है, जेडीयू की एक है। अभिषेक देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स बिहार के इतिहास में रहा है, आज की ये बात नहीं है, लंबे वक्त से ऐसी चीजें चलती रही हैं। हाँ। और बिहार की सियासत को कोई समझ ले इतना आसान भी नहीं होता है। हाँ। अब देखिए, जिस दिन नीतीश कुमार अचानक से इस्तीफा देते हैं, फिर वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, उस दिन ऐसा लग रहा था कि चलिए सब कुछ ठीक है, बिहार में एक नई सरकार फिर से बन गई है। दो साल पहले 2022 में वो बीजेपी को छोड़ करके चले गए थे महागठबंधन में। तो प्रेशर पॉलिटिक्स अगर कोई सबसे बेहतर करता है तो वो नीतीश कुमार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनसे कोई प्रेशर करके चीजें करवा ले, ये बहुत बहुत मुश्किल है। जीतन राम मांझी को किस तरीके से सदन में नीतीश कुमार ने ये कहा था कि इनको तो मुख्यमंत्री मैंने बनाया था, वो शब्द भी याद होंगे सबको। तो जीतन राम मांझी प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन वो प्रेशर काम कर जाए इसकी संभावना ना के बराबर है। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें, ये ऐसा मौका होता है ना जब हर कोई चाहता है कि मुझे लाभ हो जाए, मेरी पार्टी को लाभ हो जाए। जीतन राम मांझी ने बार बार ये कहा कि उन्हें फोन आ रहा है कि मुख्य आ जाइए, मुख्यमंत्री बना देंगे। हाँ। उनके बेटे ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ। तो आप देखिए इसके पीछे चीजें कैसे चल रही है बिहार में। हाँ। अब आज ही स्थिति ये क्लियर हो जाएगी, क्योंकि दो चुनौतियां हैं आज नीतीश कुमार के सामने। इन तमाम चीजों में अभिषेक, बीजेपी का जो डर है क्या वो लाजमी था? जिस तरीके से बीजेपी डरी हुई थी, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन तेजस्वी यादव का ये कहना कि खेला होगा, क्या ये तमाम चीजें डर पैदा कर रही थी एनडीए में? क्या माने हैं? देखिए इसमें हाँ। दीपिका, डर जैसी कोई बात नहीं है, एक असंतोष होता है, जरूर होता है। क्योंकि देखिए अमूमन क्या हमने देखा है पिछले 8-10 सालों में कि नीतीश कुमार एक बार चले आते हैं एनडीए में, फिर एक बार चले जाते हैं महागठबंधन में, फिर चले जाते हैं 2 साल बाद एनडीए में, फिर महागठबंधन में, ऐसे चलता है। तो कई जगहों पे असंतोष होता है, लेकिन चुनौतियां तब होती हैं जब पार्टी को आप तोड़ेंगे कैसे। हो सकता है एक या दो विधायक ना पहुंचे सदन, वोट ना डालें, फोन स्विच ऑफ कर लें, पार्टी बाद में उन पे कार्रवाई तो कर लेगी। लेकिन इन सब के बीच अगर आज 45 विधायक हैं जेडीयू के, तो दल बदल कानून के तहत कम से कम 30 से 31 विधायकों को तोड़ना होगा, ये संभव नहीं है। और नीतीश कुमार से अलग जाने की हिम्मत शायद 30 से 32 विधायक नहीं करेंगे। क्या लगता है यही स्थिति हो जाएगी, सब कुछ आसानी से निपट जाएगा? क्या लगता है कि या अभी भी इफ और बट की कंडीशन बन जाएगी? आंकड़े हैं वो नीतीश सरकार के पक्ष में है, नीतीश कुमार के पक्ष में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन संभावनाओं पर अगर बात करें तो ऐसे कई उदाहरण मिले हैं कि जब विधानसभा में, सदन में या संसद में वोटिंग होती है तो उसमें कई विधायक क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं, कई लोग एब्सेंट कर जाते हैं, तो स्थितियां बदल जाती है। तो ये जो खेला की बात कही जा रही है वो इनके विधायकों को तोड़ने की बात नहीं हो रही है, ये खेला करने के बाद जो उनका अंदाज है कहने का, उससे यही अंदाज लग रहा है, उसे यही महसूस हो रहा है कि वो किसी तरह से चाहते हैं कि यह सरकार गिर जाए, सदन में विश्वास मत हासिल ना करे। उसके लिए ये तमाम कोशिश की जा रही है। देखिए आरजेडी के तरफ से भी कोशिश की जा रही है, बीजेपी की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, जदयू के तरफ से भी कोशिश की जा रही है। अगर तमाम दलों के आंकड़ों को ले लिया, तमाम दलों के नेताओं का मत समझ ले, तो देखिए चेतन आनंद भी जिस तरह से जीतन राम मांझी की चर्चा हो रही है कि वो हॉटकेक बने हुए हैं, उसी प्रकार आरजेडी में चेतन आनंद जो कि आनंद मोहन के पुत्र हैं, और सभी जानते हैं, जग जाहिर है कि आनंद मोहन का झुकाव नीतीश कुमार के प्रति है, लेकिन उनका उनका जो है पुत्र, उनके बेटे जो है आरजेडी से विधायक है, और यही कारण है कि जब वो तेजस्वी के आवास में गए थे बैठक के बाद, उनको वहां रोक लिया गया था, तो उनके भाई ने कंप्लेन किया और फिर वहां से वो वापस चले गए। उनकी स्थिति पता नहीं चले कि आखिर वो क्या करेंगे, क्या वो एब्सेंट रहेंगे, क्या वो क्रॉस वोटिंग करेंगे। तो कई स्थितियां बन रही है, ये जब वोटिंग होगा तभी पता चलेगा। निश्चिंत नहीं बैठ सकती है अभी एनडीए नीतीश कुमार, अभी निश्चिंतता की स्थिति नहीं है। बिल्कुल ये कह नहीं सकते हैं कि क्या उसमें क्या किसकी बाजी पलट जाएगी और किसके पक्ष में क्या हो जाएगा, क्योंकि जब सदन में
जो होगा, क्योंकि तीन चार दिनों से जो पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है विधायकों का नहीं आना, उनका स्विच ऑफ हो जाना, ये हर दल में है। ऐसा हाँ। नहीं सिर्फ जदयू में है या बीजेपी में है, आरजेडी में है, सब जगह असंतुष्टि है। और एक बड़ा प्रमुख बात यही है कि देखिए, असंतुष्टि का एक बड़ा कारण है नीतीश कुमार का बार बार पाला बदलना। जो नेता जो पहले से चुनाव लड़के बीजेपी से आए हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब जब नीतीश कुमार इस पाले आए हैं, हो सकता है उनका टिकट कट जाए। और भी कई तरह की महत्वाकांक्षा विधायकों में है। हाँ, जब आप विपक्ष में होते हैं तमाम बातें भी बनती है अभिषेक। वाकई में भी होता है ना कि अभी नीतीश कुमार यहाँ है, कल वहां थे, आरजेडी में थे और वापस साथ में आ गए हैं। तो तमाम जो विधायक हुए हैं, जो अंदर खाने हवा उठती है, जो कार्यकर्ता होते हैं, उन्हीं में सुगबुगाहट होती है। अब यहाँ विश्वसनीयता पे तो सवाल खड़े हो जाएंगे, जो कि हमेशा से होते आए हैं नीतीश कुमार के ऊपर। देखिए, ये सारी चीजें चलती रहती हैं और हर पार्टी जो है वो अपने अपने हिसाब से, देखिए राजनीति ही करेगी, कोई भी पार्टी हो, राजनीति करने के लिए ही वो आई है। और सत्ता पाना पार्टियों का एक तरीके से अगर कहें तो वही मकसद भी होता है। अब नीतीश कुमार किसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं ये सबने देखा है, क्योंकि बीजेपी के साथ कुमार का कंफर्टेबल फील करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है ना, जितना उनके विधायकों उनका कार्यकर्ताओं के साथ भी। यदि कार्यकर्ता विधायक ही कंफर्टेबल फील ना करें तो दिक्कतें नहीं आ जाएंगी बाद में। बिल्कुल, आपने सही कहा दीपिका। हाँ। राजीव, क्या लगता है कि ये जो भी आज असंतुष्टि है दलों में, और नीतीश कुमार को लेकर है, तो आरजेडी में हो चाहे एनडीए में हो। हाँ। एनडीए में भी कई विधायक हैं जिनकी नाराजगी सिर्फ नीतीश कुमार से है, ऐसी चर्चाएं होती हैं। और ये बात है, अब जैसे जीतन राम मांझी को ही ले ले, उपेंद्र कुशवाहा को ही ले ले, चिराग पासवान को ही ले ले, ये तमाम लोग भी स्पष्ट तौर से नीतीश कुमार को मानने को तैयार नहीं है। यही है मेरा कि आखिरकार ये जो असंतोष की स्थिति बनी हुई है वो बैलेंस कैसे लेके आएगी पार्टी, देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।